马三。वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने मुंबई में भारत को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस शिकस्त की कीमत भी कश्मीरियों को चुकाना पड़ी। कश्मीरियों ने भारत की शिकस्त पर जश्न मनाया। जब कोई खिता मजहबी जोग्राफियाई सकाफती किसी भी हवाले से आपका हिस्सा ना हो तो इस तरह का जश्न मामूल की बात है। समाजियात और इंसानी मुआशरत में यह हक के आजादी इजहार राय के जुमरे में आता है। कश्मीर में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में कसीर तादाद भारतीयों की पढ़ती है। NIT श्रीनगर में 80% भारतीय जबकि 20% कश्मीरी तालिब इल्म है। 3000 के करीब हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के स्टूडेंट है। कश्मीरी दार इन फ्यू हंड्रेड वहाँ जो पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो कश्मीर को क्या मुसखर करना चाहते हैं? Have they come to Kashmir to conquer the Kashmir? Or they have come here to pursue their studies? मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको अपनी पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। यहाँ 7 लाख के करीब हिंदुस्तान की फौजी जो हैं, वो कश्मीरियों के सीनों के ऊपर मूंग दल रही हैं। 1 लाख के करीब नौजवानों को शहीद किया गया, 10,000 के करीब लापता किया गया, 1 लाख से जायद यहाँ यतीम है हमारे। यहाँ 30,000 से लेकर 50,000 के करीब विडोज हैं कश्मीर में। कश्मीर की हुरियत पसंद रहनुमाओं का मौका तालीम के हवाले से वाजे है। सैयद अली गिलानी कहते हैं कि इस कदर भारतीयों की कसीर तादाद इसलिए है कि हम खुले दिल के लोग हैं जो तालीम को तासुब की नजर से नहीं देखते। लेकिन 20% कश्मीरी तुलबा ने जश्न क्या मनाया, क्यामत ही टूट पड़ी। भारतीय तुलबा की अक्सरियत ने कॉलेज की दरो दीवार पर कश्मीरियों की दिल आजारी के लिए नारे लिखे, उनको पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर जदोकोब किया और NIT की इमारत पर भारतीय झंडा लहराया। ट्राई कलर हमने 47 से हमने रिजेक्ट किया है। 25 साल इस मिलिटरीजेशन में हमने उसको नहीं माना, तो आप पढ़े ना। मेरे भी उनसे रिक्वेस्ट है, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई पर जो। हमारे देश में 1 करोड़ भूतपूर्व सैनिक है, उनमें से 10 लाख को छांट के उनको हथियार देकर पैसा देकर कश्मीर में जाकर बसने के लिए कहना चाहिए। कश्मीर का 1 इंच हम नहीं देंगे, भले वो चाइना के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो। आज युद्ध करके नहीं ले सकते हैं तो कल ले सकते हैं। तो ये एक हिंदुस्तानी राष्ट्रवादिता में जो दुर्बलता आई है, उस कारण से ये सारा हो रहा है। नहीं तो ये क्या बात करनी है, पाकिस्तान से कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। लाखों की तादाद में यहाँ टूरिस्ट आते हैं हिंदुस्तान की रियासतों से, किसी को नहीं मारा गया। हमें एक माइनॉरिटी यहाँ सिख माइनॉरिटी कश्मीर में है, पिछले 25 साल दौर में किसी को नहीं मारा गया। 6,000 के करीब कश्मीरी पंडित फैमिलीज कश्मीर में रह रही हैं पिछले 25 साल दौर से, किसी को हमने मारा नहीं। भारत के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तुलबा ने श्रीनगर की तरफ मार्च शुरू कर दिया। मार्च की वजूहत उन्होंने भारतीय तुलबा के साथ इजहार यकजहती बताया। इस तरीके से भारत माता झंडे गाड़ने और फोर्सेस से आप कश्मीर पर काबिज नहीं हो सकते हैं। 12 तारीख को कश्मीर में आम हड़ताल का ऐलान किया गया। पूरी वादी ने गम गुस्से का इजहार किया और कश्मीरी तलबा से इजहार यकजहती किया। लेकिन फिर भारत अपनी असलियत पर आया और हंडवारा में 2 नौजवानों मोहम्मद इकबाल और नईम गादर भट्ट को शहीद कर दिया गया। सूरत हाल उस वक्त तक और तश्वीशनाक हो गई जब वादी में ये खबर फैली कि एहतजाज के दौरान एक नौजवान लड़की मार्केट के एक वॉशरूम में गई, जहां एक फौजी भी घुस गया और उसको हरासा करने की कोशिश की। शोर मचाने पर मकामी लोग आए और उन्होंने लड़की को बचा लिया। इसी दौरान एक 70 साल खातून को गोली लगी और जान भर न हो सकी। हालात कशीदा से कशीदा होते रहे। 13 तारीख को एक और नौजवान गुलाम दीन वानी के बेटे जहांगीर अहमद वानी भी शहीद हो गए, इनके सर पर एक शेल लगा। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने कश्मीरियों के एहतजाज की कवरेज बंद कर दी। दानिश्वर हलकों ने इस पर शदीद हैरानगी का इजहार किया कि ये कैसी जमहूरियत है जहाँ मीडिया बज़ाहरन तो आजाद लेकिन दर हकीकत शदीद तअस्सुब रखता है। मवार यूनिवर्सिटी में, बाकी यूनिवर्सिटी में, यूपी में, महाराष्ट्र में कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा गया, कॉलेज से निकाला गया, पीटा गया। उस वक्त राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट नहीं आया, उस वक्त स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट नहीं आया, जितेंद्र का स्टेटमेंट नहीं आया और कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं। उनकी टीम यहाँ पहुंच गई। व्हाट मैसेज यू आर सेंडिंग, यही तो है ना कि दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स कश्मीरीज विंडिकेट्स आवर स्टैंड दैट कश्मीर इज नॉट ए लीगल पार्ट ऑफ इंडिया। वादी में एहतजाज की एक नई लहर देखने में आ रही है। 3G और 2G सर्विसेज मुकम्मल बंद हैं। हुरियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी ने कहा है कि हम तुलबा की हिफाजत और भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर लायामल तैयार कर रहे हैं।